वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारे एक दर्शक हैं भरतपुर से अभय प्रताप सिंह, इन्होंने मेल किया था। इनका कहना था कि इनकी नक्सीर बहुत फूटती है, यानी कि नाक से खून आता है। गर्मियों में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो जाती है, इसके लिए कोई होम रेमेडी बताएं। अभय जी बिल्कुल हाँ, ये देखा गया है कि गर्मियों के दिनों में तो खासतौर पर कई लोगों को देखा गया है गर्मी बढ़ जाती है जिसके कारण नाक से खून आ जाता है। इसके लिए क्या करना है आपको, जब कभी भी गर्मी में आप बाहर निकल रहे हैं तो एक गिलास पानी जरूर पिए, साथ में एक प्याज छोटी प्याज अपनी जेब में डाल के रखें ताकि आपके शरीर पे गर्मी ना पड़े। और गर्मी के दिनों में खास तौर पे आप ध्यान रखें कि 3 से 4 लीटर आप पानी पिए। अगर आपके स्टमक में पानी होगा तो ये जो नाक से ब्लड आने वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक उपाय बताता हूँ मैं, गन्ने का रस ले लें आप एक बाउल में, थोड़ा सा गन्ने का रस ले लें लगभग 4-5 चम्मच के बराबर, उसमें 8 से 10 बूंद आप प्याज की रस की मिला लें। गन्ने के रस में प्याज के रस की कुछ बूंदें मिलाकर माथे पर उसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपको जो नक्सीर फूटने की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा फिटकरी मिलती है हमारे यहाँ, फिटकरी इजीली एलम कहते हैं जिसको, उसको माथे पे घिसने से भी नाक फूटने में आराम मिलता है। अब ये जो उपाय मैंने बताया अभी तक, ये बाहरी तौर पे लगाने के उपाय बताए। अब मैं एक आपको रेमेडी बताता हूँ जो आपको अंदर से नाक फूटने नक्सीर फूटने की प्रॉब्लम से निजात दिला देगी। इसके लिए क्या करना है आपको, 2 से 3 चम्मच गुलाब जल लेना है, उसमें 8 से 10 किशमिश भिगो देनी है और भिगो के उनको रखे रहने देना है रात भर, और सुबह पीस लेना है, पीस के पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा। 2 चम्मच इस पेस्ट का आपको सेवन करना है सुबह खाली पेट, और आप देखेंगे कि आपकी नक्सीर फूटने की जो प्रॉब्लम है, नाक से खून आने की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो थाना बिल्कुल आसान सब है, बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं, डॉक्टर को दूर भगाएं। हमारे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो उनको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।